ये कभी अपने बच्चे किड्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते ना, उनके ऊपर रिसर्च किया कि किस तरह का माहौल में पला था। तो कुछ चीज़ें हैं उसको आप ध्यान रखेंगे हम लोग, तो हमारे बच्चे उस तरह का अनसक्सेसफुल नहीं बन पाते, राइट। सो इसमें देखते हैं वन वन वन। कुछ घर पे ऐसा ही कंडीशंस होता है कि कुछ भी हुआ तो मारपीट, ओके, बोलते हैं कि बच्चे को मार के बड़ा करना चाहिए तभी वो कंट्रोल में होंगे। नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने कभी ऐसे मेरे साथ नहीं किया, और पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा होने के बाद, और मैं तो मुझे याद भी नहीं है मेरे बच्चे को भी मैंने मारा, राइट, नो वे। एक बार आप बोलते तो समझ आएंगे उस तरफ, क्योंकि ना उनको एक इंडिविजुअल फील आता है। मैं मेरे बच्चों को एक अडल्ट की तरह ट्रीट करता हूँ, बच्ची की तरफ नहीं ट्रीट करता हूँ। उसको बोलता हूँ ये भी एक बड़ी है, उसके भी आशा विश ये सब होगा, तो उसके हिसाब से करेंगे, उसको एक मेच्योरिटी फील आएगा और ये अच्छा, उनको एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, राइट। लेकिन जितना भी अनसक्सेसफुल लोग हैं उनके पेरेंट्स को देखेगा तो कहीं ना कहीं मार पीट पनिशमेंट देते ही उनको बड़ा करते हैं, और ये एक डर हो जाता है, राइट, बच्चे को एक अफवाह ऐसा एक फील कर देते हैं। सेकेंड, बच्चे कभी आके कुछ बताते हैं ये सही है गलत है या कुछ, मैं एक बात नहीं करने का, बड़े लोग के सामने तमीज़ नहीं है, यही कल्चर है, ये अपना मर्यादा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, राइट। बच्चे अपने पसंद बोलना नहीं बोलना, बड़े बड़े बेवकूफ़ भी होते हैं बड़े बड़े लोग, राइट, उनको आइडिया नहीं है। ये मुझे समझने के लिए काफ़ी साल लगा, बच्चे को पहले समझना चाहिए, क्योंकि वो अपने अपने इंटेलिजेंट लेवल पे बहुत हैं, तो बच्चे को आर्ग्यूमेंट करना, बात करना, समय देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आर्ग्यूमेंट करने नहीं देते हैं उसको, विवाद में झगड़ा वगड़ा नहीं बात कर रहा हूँ, वो जो भी बताना चाहते हैं उनको समझना, क्योंकि मुझे मेरे पिता ने ये सब चीज़ें मुझे पहले दिए थे, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल, आपको आर्ग्यूमेंट, बच्चों को बात करने के लिए मौका देना चाहिए, बड़े लोगों में ऐसा नहीं करना है, उधर बैठ जाओ, अंदर जाओ, बात मत करो, ये सब बहुत ही घटिया तरीका है बच्चों को ट्रीट करना। सेकेंड, बच्चों को बहुत चिल्लाना, है ना, गालियाँ देना, उल्टा सीधा बातें करना, ऐसा सब वो माहौल में नहीं पलाना चाहिए बच्चों को, वो सब नहीं करना चाहिए, उनको बहुत बुरा लगेगा। और बच्चों को बहुत ओवर कंट्रोलिंग आता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उधर नहीं बैठना, इधर नहीं बैठना, पूरा पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना, बच्चे कॉन्फिडेंस से नहीं आएंगे, क्योंकि एक हद के तहत वो कहाँ पर जाएगा पता नहीं। जैसे हमारा स्कूल्स में इतना स्ट्रिक्ट था, मालूम होगा सब स्कूल्स में इतना स्ट्रिक्ट होता है, एक बार कॉलेज आने के बाद छूट जाता है, फिर सब अपना अपना मर्जी, और बच्चे को सेल्फ कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि उनको क्या है, अपना स्कूल स्ट्रिक्ट, मेरा 100% रिजल्ट आना चाहिए, इसके पीछे काम करते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा ज़िंदगी में, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया ना। क्योंकि ऐसा कंडीशंस में पला हुआ बाहर आके कॉलेज में बराबर सीख नहीं पाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता नहीं है, डिसिप्लिन से कुछ करते नहीं है, क्योंकि हमेशा पिंजरे में डाल के उसको बड़ा किया है, तो बाहर छोड़ दिया तो वो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इस तरह का चीज़ें भी हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों को ओवर कंट्रोलिंग करके हम लोग उसको कॉल नहीं कर सकते, ये सब देखा गया है, मतलब बहुत सक्सेसफुल लोगों ने ये सब चीज़ देखा गया, तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखें अपने बच्चों को कैसे हम लोग बोलते हैं। मैं जो बताया इसमें कहीं पे भी आप आते हो प्लीज़ मत होना, राइट, थैंक यू।